जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। गाइस, आप लोगों का काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी लोग अपना रिजल्ट देख भी चुके हैं। कुछ लोग बार बार काफ़ी क्यूरियसिटी आपकी आ रही है। पहली क्यूरियसिटी ये है कि बिहार वाले लड़कों को जो अदर स्टेट वाले थे, जैसे एमपी हो गया आपका और इधर बिहार हो गया, यही दो कैंडिडेट जो है इधर उत्तर प्रदेश में बीएड करना चाह रहे थे, उन्होंने उनको कॉलेज नहीं मिला। और दूसरी सबसे ज़्यादा क्यूरियसिटी है जिनको दूर मिल गया है कॉलेज, वो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या भैया कॉलेज चेंज हो सकता है कि नहीं चेंज हो सकता, कॉलेज हम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। काफ़ी क्यूरियसिटी इस बात को लेकर है, तो मैं आपको समझ के वीडियो लेकर आया हूं कि क्या कॉलेज आप बदल सकते हैं नहीं बदल सकते। और जो लड़के अभी बचे हुए हैं 75,000 प्लस वाले, वो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि क्या भैया सेकंड राउंड में भी सरकारी कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो यही तीन चार क्यूरियोसिटी जो आप लोगों के बीच में है, उसी को मैं पुटअप करने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं अपनी तरीके से कि क्या हो सकता है। अब पहली बात, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि बिहार या जो है मध्य प्रदेश के लड़कों को जो है सरकारी कॉलेज आवंटित नहीं किए। अच्छी अच्छी रैंक होने की वजह से भी उनको कॉलेज नहीं मिला और काफ़ी कॉलेज लॉक करने के बावजूद भी कॉलेज नहीं मिला। और ये नहीं, किसी को नहीं मिला है बिहार के किसी भी कैंडिडेट को यूपी में सरकारी कॉलेज नहीं मिला है। तो उसका क्या मतलब है, अब वो सरकार जाने और यूनिवर्सिटी जो झांसी यूनिवर्सिटी है वो जाने कि क्यों नहीं दिया है। ऐसे मैं आपको दिखाया हूँ कि अगर मैंने आपको बोला भी था कि आपकी रैंक चाहे जितनी हो, अगर आप पहले राउंड के काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और यूपी के अधिक से अधिक कॉलेजों को लॉक करते हैं तो आपको जरूर सरकारी कॉलेज मिलेगा, लेकिन बिहार वालों के लिए ये फंडा अप्लाई नहीं किया। तो उसका कारण मैं नहीं हूँ, उसकी कारण यूनिवर्सिटी है और सरकार है। सर, अब उसका क्या फंडा है, अब उसको मैं नहीं जानता। अब दूसरी सबसे ज़्यादा क्यूरियसिटी आप लोगों का ये है मेरे प्रति कि भैया मुझे बहुत दूर कॉलेज मिल गया है, क्या हम कॉलेज चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या आगे क्या मुझे उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, या हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर सबकी यही क्यूरियसिटी है कि अगर हमें एक बार कॉलेज अलॉट हो गया है तो क्या हम दूसरा कॉलेज सेकंड राउंड में फेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या काउंसलिंग करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, ये क्या है मैटर। तो गाइस, पहली बात, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपने अपना अलॉटमेंट लेटर नहीं भी निकाला है, तब भी आपको जो है जो कॉलेज मिला है वही मिला रहेगा, कोई दूसरा कॉलेज नहीं अला। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको दूसरा कॉलेज अब नहीं मिल सकता, ना आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और ना आप दूसरा कोई कॉलेज चेंज कर सकते हैं। तो ये अपने दिल में बैठा लीजिए। अब कुछ लोग ये आएंगे कि हाँ हम प्राइवेट कॉलेज में करवा सकते हैं, तो ये जान लीजिए कि अगर प्राइवेट कॉलेज वाले करते हैं आपका एडमिशन तो कुछ दिनों के बाद वो आपको फिर धोखा देंगे और फिर वो बताएंगे कि नहीं, मतलब एक बार आपको कॉलेज अलाट हो जाने पर आप कहीं भी किसी प्राइवेट चाहे जैसे भी आपका जो है वो है, आपको कॉलेज अलाट नहीं हो सकता। चाहे आपको सरकारी कॉलेज चाहिए हो चाहे प्राइवेट कॉलेज चाहिए हो, दोनों में कोई भी कॉलेज आपको ना कॉलेज चेंज हो सकता है ना कॉलेज दोबारा अलाट हो सकता है। और जो लोग करवाएंगे या जो लोग कहेंगे कि नहीं प्राइवेट में हो जाता, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप करवाएंगे तो आपका पैसा खुद जो है बेकार हो जाएगा। तो ये चीज़ आप जानते रहिए, आपको जो भी कॉलेज मिला चाहे वो दूर का मिला हो चाहे नज़दीक का मिला हो, आपको अलाटमेंट लेटर निकाल के और उसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर आप उस कॉलेज में नहीं करना चाहते तो आपका ये सॉल्ट जो है ड्रॉप हो जाएगा, मतलब आप बीएड नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए जो है पड़ाव है, इसमें आप एक कॉलेज को मतलब कॉलेज में जाके पढ़ाई करिए या फिर कॉलेज को छोड़ दीजिए। बस यही दो सोल्यूशन है जिनको कॉलेज दूर अलाट हुआ है या जिनके मन मुताबिक कॉलेज नहीं अलाट हुआ है। मैंने आप लोगों से बार बार ये कहा था कि पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को लॉक करिए, इसके बाद अगल बगल डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को लॉक करिए, आप सबसे ज़्यादा दूर न डालिए। जैसे कि अभी मैं बनारस के एक कैंडिडेट से बात कर रहा था, उसने बताया कि मैं ग्राम में प्रेफरेंस में नोएडा का कॉलेज अलाट करवाया था। भाई, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके पूर्वांचल में इतना सारे सरकारी कॉलेज हैं, आपको DDU यूनिवर्सिटी है, इधर अवध यूनिवर्सिटी है, इधर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है, आपने इन सभी जगह के कॉलेजों को छोड़ के जो है नोएडा का कॉलेज जो है ग्राम में प्रेफरेंस में लिया लिखवाया और 9,000 रैंक है उनको, तब वो कॉलेज ग्राम या ब्राह्मा नंबर का कॉलेज अलाट हुआ। तो अब वो उसमें आपकी गलती है ना। और मैंने, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहे होंगे तो मैंने बताया था कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेज जो यूनिवर्सिटी टाइप के, जैसे कि बरेली और नोएडा यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी पढ़ाई बहुत अच्छी है, हर चीज़ की फैकल्टियाँ बहुत अच्छी हैं, हॉस्टल या मैस या अधिकतर हर सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन कारण ये है कि फीस वहाँ पे ज़्यादा है। नोएडा यूनिवर्सिटी की तो 52,000 फीस है। मतलब समझ में नहीं आता कि प्राइवेट कॉलेज है कि सरकारी कॉलेज है। सर, प्राइवेट कॉलेज वालों की कितना फीस ले रहा है, लेकिन वो पहले से ही डाटा में अपना रखा हुआ है और उसने बताया हुआ है कि मैं मतलब 52,000। ये है कि अगर आप नोएडा यूनिवर्सिटी पाए हैं तो आप इसमें एडमिशन लीजिए, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और जिनको भी सरकारी कॉलेज अलाट हुआ है, मेरी चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अगर आप अपना रिजल्ट शो करना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम आईडी अपने कम्युनिटी में दे दूंगा, कम्युनिटी में दिया भी हूँ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़ के अपना स्कोर कार्ड सेंड कर सकते हैं और जिससे 2025 में जो बैच के लड़के आएँ उनको सही दिशा निर्देश मिल पाए। और आप लोगों ने मेरे कहने पर कितना कॉलेज अलाट किया है आप लोग ज़रूर बताइए। और आगे कौन
कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेकर कॉलेज में जाना पड़ेगा, सारी चीज़ों के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा। बस शाम का इंतजार करिए, शाम को मैं वीडियो इसको लेकर आऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा। और मैंने आपको फिर सुबह भी बताया था कि आप जो है अगर यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे हैं, अपने कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो वहाँ पर दिए हुए नंबर से बात कर लीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि कितने दिनों के अंदर एडमिशन होगा, वो आपको बता देंगे। जैसे कि दो तीन लड़कों ने भी बात किया, उन्होंने बताया कि सितंबर के महीने में बुला रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप वहाँ से बात करके तभी कॉलेज में विजिट करिए, या अगर आपका नज़दीक का कॉलेज है तो आप कॉलेज में जाके जो है विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी आपको गाइस, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।